So, hello everyone, welcome back to our second episode of Technical Analysis Series. इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, ट्रेंड को कैसे पता करें, ट्रेंड रिवर्सल कैसे प्लान करते हैं और ट्रेंड कैसे पता लगाएं, बेसिकली इसी के ऊपर हम इस वीडियो को बात करने वाले हैं। वीडियो को अगर लाइक करने वाले हो तो पहले वीडियो को लाइक कर दो, बिकॉज बाद में आप लोग भूल जाते हो। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने चार्ट खोल लिया है। अब आप लोगों के पिछले वीडियो में एक दो डाउट आए थे कि अंकुश भाई चार्ट्स को देखते कहाँ हैं और कैसे देखते हैं, तो सॉरी मैं आपको नहीं बता पाया था वो चीज़। देखो आपने पूछा इसलिए मैं आपको बता भी रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कमेंट्स में पूछा करो, उसका रिप्लाईज मैं आपको कर दूंगा। तो बेसिकली चार्ट्स को देखने के लिए मैंने जो आपको दिखा रहा हूँ ना चार्ट, ये ट्रेडिंग व्यू एक वेबसाइट है, जैसे कि ये ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट है जो कि बिल्कुल फ्री वेबसाइट है। यहाँ पे आप हर किसी के चार्ट देख सकते हो, चाहे कि वो कमोडिटी हो, फॉरेक्स हो, अपना इंडियन स्टॉक मार्केट हो, कोई भी स्टॉक हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कोई भी स्टॉक का जो चार्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग टाइम फ्रेम पे, एंड ये बिल्कुल फ्री वेबसाइट है। और अगर आपके पास कोई डीमेट अकाउंट है तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो, जैसे कि हर डीमेट के पास अपना अलग अलग चार्टिंग वेबसाइट होता है, वहाँ पे भी देख सकते हो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे आप देख सकते हो, कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, बिल्कुल फ्री में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अब आपको ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे जाना है, इसकी एप्लीकेशन भी है, प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू, और अपने फोन में भी चार्ट देख सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो चार्ट वाला डाउट आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि हमें भैया ट्रेंड को पता करना है, ट्रेंड कैसे निकालने हैं। तो ट्रेंड को पता करने के लिए ना दो टूल आपको यूज करने पड़ेंगे। दो टूल कौन से होते हैं, एक तो है अपना ट्रेंड लाइन, ठीक है। सेकंड टूल अपना कौन सा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बेसिकली टूल नहीं है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये ना मार्केट में एक चीज होती है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में नहीं बताई थी, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये होता है, हर चीज का एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि अभी मान लो ये एक प्राइस है, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं तो आपको चार्ट पे दिखा देता हूं। जैसे मान लो मार्केट में मार्केट अभी नीचे आ रहा है, तो हर चीज का एक सपोर्ट होता है कि इस सपोर्ट से अगर वहां पे बाइंग आती है तो इस सपोर्ट से प्राइस नीचे नहीं आएगा, मार्केट यहां से ऊपर उठ सकता है। तो जहां से प्राइस लास्ट बार उठा था हम उसको मार्क कर लेंगे, क्योंकि वो एक सपोर्ट की तरह काम हुआ था लास्ट टाइम। जब अगली बार अगर प्राइस वहीं पे आ रहा है ना, तो हम ध्यान रखेंगे कि पिछली बार इस सपोर्ट से प्राइस उठा था, तो अगर प्राइस यहां पे दोबारा आ रहा है तो हम यहां से क्या प्लानिंग कर सकते हैं, दोबारा बाइंग की प्लानिंग कर सकते हैं। तो अगर ये प्राइस दोबारा यहां से उठता है तो अब हमें कैसे पता लगा कि यहीं से प्राइस घूमेगा, क्योंकि लास्ट बार भी देखो भैया प्राइस यहीं से घूमा था, इसलिए दोबारा यहां से घूम सकता है। तो ये जहां से प्राइस उठता है ना उसको हम बोलते हैं सपोर्ट दोस्तों। अब रेजिस्टेंस क्या होता है इसका अलग, जैसे कि प्राइस देखो लास्ट बार यहां से घूमा था, तो अगली बार भी अगर प्राइस में हम एक लेवल बना लेंगे 1150 का, अगली बार भी अगर प्राइस यहीं से घूम रहा है तो इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। तो ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब ट्रेंड मैंने आपको तीन तरीके के बताए थे दोस्तों, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड अपना साइडवेज। साइडवेज के बारे में काफी लोगों को कन्फ्यूजन थी, साइडवेज क्या होता है। साइडवेज देखो एक ऐसा टाइम होता है जब मार्केट ना कुछ नहीं कर रहा होता, बस प्राइस एक रेंज के अंदर रहता है। जैसे ये भी मैंने स्टॉक खोल रखा है एक्सिस बैंक का। अब एक्सिस बैंक का स्टॉक अगर आप देखोगे ना काफी दिनों से, तो 1110 यानी 1110 से लेकर 1140 के बीच में ही काफी दिनों से घूम रहा है। अभी मेरे को कैसे पता लगा ये चार्ट देख के, अभी आपको चार्ट दिखाता हूं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने कर दिया। अब देखो पहले प्राइस कितना ऊपर गया, पहले प्राइस ये कहां पे था, यहां पे था 990, यहां पे प्राइस था, यहां से ये प्राइस अच्छा ऊपर गया, इसका मतलब था ये जो ट्रेंड है ये कौन सा है, अप ट्रेंड। उसके बाद में ट्रेंड चेंज होता है और अब जो ट्रेंड चल रहा है ना मार्केट में, जो एक्सिस बैंक में नॉट मार्केट में, वो कौन सा ट्रेंड है, साइडवेज ट्रेंड है। इसलिए मैंने एक्सिस बैंक का चार्ट खोल रखा है, क्योंकि काफी पिछली वीडियो में लोगों का डाउट था कि भाई साइडवेज नहीं समझ में आया। तो देखो अब इस वाले ट्रेंड में क्या हो रहा है, प्राइस पहले तो बिल्कुल ऊपर जा रहा था प्राइस, अब क्या हो रहा है ऊपर से नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, एक रेंज के अंदर। कौन सी रेंज है वो, 1150 से लेकर 1110, यानी इस 40 पॉइंट की रेंज में एक्सिस बैंक है जो अभी घूम रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, एक्सिस बैंक का जो करंट अभी ट्रेंड चल रहा है वो कौन सा ट्रेंड चल रहा है, साइडवेज ट्रेंड चल रहा है। लेकिन अगर आप एक्सिस बैंक का कुछ दिन पहले मेरे से ट्रेंड पूछते, लगभग अगर आप मेरे से 20 तारीख से लेके ट्रेंड पूछते कि अंकुश भाई 20 तारीख के लमसम, 20 से 22 तारीख के लमसम में कौन सा ट्रेंड चल रहा है एक्सिस बैंक में, तो मैं ये बोलता भैया इसमें जो अभी अब ट्रेंड चालू हो रखा है। तो ये पार्ट होता है अपना ट्रेंड का। तो होप आपको अप ट्रेंड भी पता लग गया, आपने साइडवेज ट्रेंड भी देख लिया। अब हमें पता कैसे लगेगा कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, क्योंकि मैंने तो चार्ट देख लिया। तो इसमें आपको चार्ट देखने का एक तरीका होता है, देखो मैंने आपको बताया था ट्रेंड लाइन आपको करना होता है। कोई भी आपको अगर चार्ट या फिर ट्रेंड निकालना है तो उसमें आपको ना
एक प्राइस का नेचर जानना है, प्राइस का नेचर कौन सा होता है, जिगजैग, प्राइस का नेचर कौन सा होता है, जिगजैग। आपको क्या करना है, हर बार प्राइस जहां सपोर्ट ले रहा है उसको अगले सपोर्ट से मैच करना है। अगर ये आपको मैच होता हुआ दिख रहा है और ये लाइन अगर आपकी ऊपर तरफ की बन रही है तो इसका मतलब कि जो आपका ट्रेंड है वो कौन सा है, सॉरी, जो आपका ट्रेंड है वो कौन सा है, अप ट्रेंड है। फिर आपको मान लो प्राइस ये ऐसे है, कुछ प्राइस ऐसे है, ऐसे चल रहा है, तो आपको क्या करना है, जो इसका रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस, इसको ड्रॉ करना है। जैसे ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये है, फिर आपको ऐसे करके ड्रॉ कर देना है। अगर वो लाइन आपकी ऐसे बनती है तो इसका मतलब कि जो अपना ट्रेंड है वो कौन सा ट्रेंड है दोस्तों, डाउन ट्रेंड है। तो अब आपको मैं लाइव करके दिखाता हूं कि कैसे आपको ये सारी चीजें करनी है, बिकॉज अभी मैंने आपको चार्ट पे समझा दिया तो आपको ये आसान लग रही होगी, लेकिन आप करके देखते हैं, क्योंकि करके देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो चलो एक्सिस बैंक में ही आ जाते हैं, ठीक है। अब आप यहां पे देखो मार्केट है, यहां से अगर आप देखोगे, आपको अभी ट्रेंड को पता करना है कि ट्रेंड कौन सा है। अभी मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है, ठीक है। अब मैं ट्रेंड पता करने वाला हूं, तो आपको यहां पे एक ट्रेंड लाइन का ऑप्शन आता है, ये रहा ट्रेंड लाइन। मैंने आपको क्या बताया था, अभी आपको सपोर्ट से सपोर्ट मिलाना है, तो ये रहा सपोर्ट, उसके बाद में ये रहा सपोर्ट, अभी आपने ये मिला लिया। अब आगे चलते हैं, और अगला सपोर्ट कौन सा है, अगला सपोर्ट है ये वाला सपोर्ट है, अगला सपोर्ट प्राइस ने यहीं से लिया है ना। तो अब अगर अभी आप देखोगे जो मार्केट है डाउन ट्रेंड में, एक्सिस जो बैंक है वो भी डाउन ट्रेंड में। ये अभी हमें कैसे पता लगा, इस ट्रेंड लाइन की मदद से, बिकॉज हमें क्या करना होता है, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते वक्त हमें सपोर्ट से सपोर्ट ड्रॉ करना होता है। जैसे कि अगर आप देखोगे, जब ये एक्सिस बैंक है, पहले इसने यहां से सपोर्ट लिया, अगली बार इसने यहां सपोर्ट लिया, अगली बार इसने यहां सपोर्ट लिया, और मैंने ये पूरे तीनों सपोर्ट से एक लाइन बना दी ब्लू कलर की। ये जब मैंने लाइन बनाई तो ये लाइन कैसी है, ऐसे है। इसका मतलब जो एक्सिस बैंक है उसका ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछते हो ट्रेंड कौन सा चल रहा है, तो वो ट्रेंड है अपना दोस्तों अप ट्रेंड। ये आपको हमेशा जो ट्रेंड होता है स्टॉक्स वगैरह में, जो ट्रेंड निकालना होता है वो 15 मिनट और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे निकालना होता है, बिकॉज जो स्टॉक्स होते हैं इसमें लिक्विडिटी इतनी ज्यादा नहीं होती कंपेयर टू बैंक निफ्टी निफ्टी। वहां पे जो ट्रेंड होते हैं बहुत जल्दी जल्दी बदल जाते हैं, दो दिन से मार्केट गिर रहा है, अगले दिन मार्केट रिकवरी कर देता है, वो चीजें स्टॉक्स में नहीं होती। इसलिए यहां पे आपको 15 मिनट और 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज करना होता है। अब अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जो चार्ट है वो अपना अप ट्रेंड में था। फिर जब आपको पता करना है कि यार प्राइस डाउन ट्रेंड में भी आता है क्या, तो मैं आपको डाउन ट्रेंड के लिए भी दिखा देता हूं। देखो जब मार्केट यहां से था, आपको बस थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम कर देना है और आपको छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेंड दिख जाएगा। जैसे कि अब देखो, पहले प्राइस क्या कर रहा था, हाइयर हाई बना रहा था। यहाँ से आपको ट्रेंड लाइन लेना है दोस्तों और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देना है। यहाँ से देखो प्राइस हाइयर हाई जा रहा था, हाइयर हाई जा रहा था। अब इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से जैसे ही ट्रेंड लाइन बनी है, एक बार इसने यहाँ से सपोर्ट लिया दोस्तों, दूसरी बार यहाँ से, तीसरी बार यहाँ से, लेकिन चौथी बार देखोगे इसने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद में दोबारा ऊपर गया और फिर नीचे आ गया। अब यहां पे देखने वाली चीज क्या है कि पहले तो प्राइस ऐसे जा रहा था, ठीक है, अब इसने ब्रेक करा पहले हमारी ट्रेंड लाइन को और अगली बार नीचे आ गई। यानी कि अगर आप देखोगे, जब हमें अप ट्रेंड था तो हमारा जो ये सपोर्ट था वो अगला वाला जो सपोर्ट था पिछले वाले सपोर्ट से ऊपर बनता है, फिर अगले वाला सपोर्ट है वो पिछले वाले सपोर्ट से ऊपर बन रहा है। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे जो सपोर्ट था वो हमारे पिछले वाले सपोर्ट से नीचे बना, और फिर जो अगले वाला जो हमारा सपोर्ट है वो हमारे पिछले वाले सपोर्ट से नीचे बना। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो ट्रेंड है वो यहाँ पे रिवर्सल हो चुका है, साथ ही में यहाँ पे जो ट्रेंड है वो हमारा बदल चुका है। फिर हमें क्या करना होता है, ट्रेंड लाइन को लेना होता है रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस। आप इसको मार्क करके देखो, ये अपनी ट्रेंड लाइन है दोस्तों। आपको क्या करना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस को पकड़ना है, ये अपना रेजिस्टेंस है, ठीक है। पहले प्राइस यहाँ पे था, यहाँ से इस प्राइस ने, आप कह सकते हो कि यहाँ से आया ये प्राइस, फिर नीचे आया, फिर इसने दोबारा इस वाले एरिया से रेजिस्टेंस लिया, फिर इसने इस वाले एरिया से रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया। और जैसे इसने ब्रेक किया, देखो मैं बताता हूँ कैसे, एक बार इसने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर अगले वाला रेजिस्टेंस पहले वाले रेजिस्टेंस से नीचे बनाया, इसका मतलब कि ठीक है अगले वाला रेजिस्टेंस इधर से नीचे बनाया, यानी ठीक है। लेकिन अगले वाला जो रेजिस्टेंस था ना वो इस पिछले वाले रेजिस्टेंस से ऊपर बनाया, तो यानी कि यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड था वो कट हो चुका है। अब डाउन ट्रेंड कट हो चुका है, उसके बाद में आपको जब अप ट्रेंड फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, पिछले वाले सपोर्ट से अगले वाले सपोर्ट तक एक लाइन बनानी है, लाइन बनानी है आपने। जैसे आपने लाइन बना ली, उसके बाद में आप आगे फाइंड करो कि आगे कब तक ही हमारी लाइन कैरी फॉरवर्ड हो रही है। एक बार आपने यहां से लाइन बनाई, अगले वाली लाइन मैच हो रही है, अगले वाली भी लाइन मैच हो रही है, इसका मतलब कि अब जो
इस वाले फेज में 14 सितंबर से लेकर 16 सितंबर 14 से लेकर 16 सितंबर तक अगर आप इसका ट्रेंड देखोगे तो इसका जो ट्रेंड है अब ट्रेंड है ये मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे पता लगाया है दोस्तों। तो होप आपको चार्ट की मदद से अपना एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो टूल है इसको यूज करते हुए ट्रेंड को कैसे फाइंड करना है ये मैंने समझा दिया। आई नो जब आप पहले पहले नया बंदा होगा उसको ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि यार क्या ये समझ ही नहीं आ रहा, बस अंकुश को तो बिल्कुल सही समझ में आ रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये आपको इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि अभी तक आपको इस चार्ट की आदत नहीं हुई है। मेरे को पूरे 3 साल हो गए दोस्तों इस चार्ट के अंदर पड़े हुए, तो मैं चार्ट देख के बता सकता हूँ अभी इसमें अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है कौन सा ट्रेंड है। आप एक बात बताओ, पहले दिन गाड़ी नहीं चलाना सीखे ना तो आप क्या करोगे, गाड़ी चलाने में प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो अब भी आप क्या करोगे चार्ट को खोलोगे, अब भी अगर आपके पास घर पे डेस्कटॉप है या फिर फोन है आप ट्रेडिंग व्यू को डाउनलोड करो, चार्ट्स को देखो और मुझे होमवर्क मैं आपको देता हूं इस वीडियो के नीचे कि मेरे को आप ट्रेंड लाइन को टूल यूज करके ट्रेंड बताओ कि इस वाले स्टॉक्स का क्या ट्रेंड चल रहा है। मैं अभी आपको 4 स्टॉक देता हूं, उन 4 स्टॉक का आपको मुझे ट्रेंड बताना है। कौन सा स्टॉक है वो अपना, एक रिलायंस है, एक ICICI बैंक है, एक HDFC बैंक है और एक बजाज फाइनेंस है। इन 4 स्टॉक का मुझे आप ट्रेंड बताओगे, करंट जो अभी ट्रेंड है इनका कौन सा चल रहा है। जिसका आंसर सही होगा उसको हम लाइक दूंगा मैं उसे कमेंट को, एंड इस तरीके से आप होमवर्क करके लाओ ताकि आपको प्रैक्टिस भी होते रहे। अभी होता क्या है, जैसे अभी मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, आपको इस चीज़ की वैल्यू नहीं होती, लेकिन ये चीज़ अगर मैं आपको कोर्स में सिखाता ना, 10,000 रुपये फीस रख देता कोर्स की, तो आप ये सारे काम करते। तो मैं चाहता हूँ आप फ्री की वैल्यू करो, अपने आप में चेंज ले जाओ, जो भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ ये आप करो। इसी के साथ में वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करो, आप देख सकते हो कितने प्यार से कितने आराम से मैं आपको हर चीज़ें सिखा रहा हूँ। अगर आपको यही चीज़ें रेगुलर सीखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज इस चैनल पर आपको इसी तरीके से स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग को सिखाया जाएगा। एंड साथ में मेरा फ्री वाला टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मैं डेली आपको ये लर्निंग चार्ट एनालिसिस हो गया, मेरी डेली की एक ट्रेड होती है वो भी वहाँ पे शेयर कर देता हूँ, तो वो आपको बेनिफिट में रहेगा, आपको मज़ा भी आएगा। तो इसी के साथ में हमने ट्रेंड को कैसे निकालते हैं इसके हिसाब से, ट्रेंड लाइन के हिसाब से समझ लिया। दूसरा जो तरीका होता है ट्रेंड को पता करने का वो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना बहुत आसान है। अगर आपको कोई भी स्टॉक का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना है तो आपने जैसे 15 मिनट का टाइम फ्रेम निकाला, 1 आवर का टाइम फ्रेम निकाला, अब मैं आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का निकाल कर देखता हूँ, बिकॉज काफ़ी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग वाले हैं। तो चलिए फिर निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया, एंड यहाँ पे मैं आ जाता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एंड 5 मिनट का टाइम फ्रेम और भी अच्छा रहता है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग करते हो। तो चलिए फिर मैंने यहाँ पे चार्ट खोल दिया, अब मैं यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल के देखता हूँ मैंने किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाले हैं। तो देखो पास्ट में अगर मैं मार्केट में देखता हूँ निफ्टी वाले चार्ट में, अभी मेरे को एक रेजिस्टेंस निकालना है, तो कौन सा रेजिस्टेंस होगा, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है मेरे लिए, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे क्या करा है, प्राइस ने यहाँ पे क्या किया है दोस्तों, ये वाला सपोर्ट, एक सेकेंड, यहाँ से लेके ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है अपने निफ्टी में। अब अगर आप इसका प्राइस देखोगे तो 21,360 एक रेजिस्टेंस एरिया है। क्यों है यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया, उसके पीछे का लॉजिक सुनो, जब प्राइस खुला, प्राइस खुलने के बाद में ऊपर गया तो ये कहाँ से नीचे आया, यहाँ से नीचे आया क्योंकि यहाँ पे सेलर प्रेजेंट थे। तो आप ये देखो कि यहाँ पे एक अपना सब रेजिस्टेंस है, उसके बाद में जब ये प्राइस दोबारा गया नीचे आके, जैसे ही इसने इस लेवल को ब्रेक कराना दोस्तों, तो आप मार्केट में देखो कितना शानदार मोमेंटम आया है। तो ये रेजिस्टेंस जैसे ही ब्रेक होता है ना तो एक मार्केट में मोमेंटम देखने को मिलता है, सपोर्ट जब ब्रेक होता है तो अपने को डाउनसाइड का मोमेंटम देखने को मिलता है। ये अपना एक स्ट्रेटजी है जो मैं आपको प्रेडिक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाने वाला हूं, लेकिन अभी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकालने हैं वो सीखना है। ये आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकला, साथ में अगर आप ट्रेंड देखोगे तो देखो सुबह से जो ट्रेंड था वो अप ट्रेंड था, यानी कि देखो सुबह से लेकर अभी तक एक तो हायर हाई का फॉर्मेशन हो रहा था, पहले वाला जो सपोर्ट था, अगले वाला जो सपोर्ट है वो पिछले वाले सपोर्ट से ऊपर बन रहा है, इसका मतलब ठीक है। एक यहाँ पे ऊपर साइड की देखो, पहले वाला जो ये अपना सपोर्ट है, फिर अगले वाला सपोर्ट है, फिर उससे अगले वाला, उससे अगले वाला, यानी कि जो सपोर्ट है वो ऊपर जा रहा है, यानी कि मार्केट में कहीं ना कहीं अब ट्रेंड का मोमेंटम यहाँ पे तैयार हो रहा है। और जैसे फिर इसका जैसे ही ब्रेकआउट होता है रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, और जैसे इसका बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट होता है, आप देख सकते हो मार्केट में ऊपर साइड का मोमेंटम आ गया। ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये आपको मैं सिखाने वाला हूँ प्राइजेक्शन में, टेक्निकल एनालिसिस में। अब आपने अगर ये सारी चीज़ें सीख ली तो आप मार्केट में डेफिनेटली पैसा बना सकते हो, लेकिन हाँ शुरुआत में एक बंदा इतनी चीज़ें नहीं सीख सकता, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा धीरे धीरे, जस्ट आप मेरे को फॉलो अप करते रहिए। तो ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चीज़ आपको क्या सिखानी है मेरे को, जैसे ये तो रेजिस्टेंस निकालना सिखाया है, सपोर्ट कैसे निकालना है। अब अगर मैं सपोर्ट निकालूंगा निफ्टी के, तो एक सपोर्ट मेरे को ये बहुत अच्छा दिख रहा है, कौन सा सपोर्ट, ये वाला, क्यों दिख रहा है,
क्योंकि मार्केट ने देखो करा क्या है दोस्तों, ये जो एरिया है ना ये बहुत अच्छा सपोर्ट है निफ्टी के जरिए, निफ्टी के लिए। क्योंकि देखो जब पहले निफ्टी इससे नीचे थी ना तो मार्केट ने एक बार इधर से रिजेक्शन लिया, दो बार रिजेक्शन लिया, फिर इससे तीसरी बार रिजेक्शन लिया, लेकिन जैसे इसको ब्रेक किया ना उसके बाद में दोबारा यहीं से सपोर्ट लेके मार्केट उठी है। यानी कि जो ये वाली रेंज है ना दोस्तों निफ्टी में, ये एक इंपॉर्टेंट रेंज है जहां पे मार्केट हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तरीके से काम करती है। तो इस वाली रेंज को हम क्या बोलेंगे, सपोर्ट है। तो मान लो अगर कल को मेरे को कोई ट्रेडिंग करनी है, कल के दिन में मेरे को मार्केट में लगता है कि यार प्राइस कहाँ पे है, कल अगर मान लो मार्केट खुलती है और मार्केट खुलने के बाद में यहाँ पे खुलती है और वो नीचे आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, इस एरिया के पास में वेट करूँगा। अगर मेरे को यहाँ पे कोई भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। ये मेरे को कैसे पता लगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से मैंने सपोर्ट निकाल लिया एंड हमें ट्रेंड कैसा है, हमारा अप ट्रेंड है। निफ्टी को देख के हमने ट्रेंड निकाला, अप ट्रेंड है, साथ में मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी निकाल लिए। अब जब मार्केट मान लो कल के दिन मान लो मार्केट खुलती है, यहाँ पे खुलती है और ऊपर जा रही है, तो ये जो एरिया है ना यहाँ पे मैं वेट करूंगा, या तो इस एरिया पे मैं वेट करूंगा। अगर मेरे को यहाँ पे कोई अच्छी सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ से मैं सेल कर सकता हूँ, अदरवाइज जैसे इसका ब्रेकआउट आएगा मैं यहाँ से दोबारा कॉल साइड की पोजिशन दोस्तों बना सकता हूँ। ये मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल दिया। अब मार्केट में हमेशा आप ध्यान रखना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, कल वाली दिन की यानी लास्ट दिन की क्लोजिंग एंड ओपनिंग बहुत ज़्यादा मेन होती है। जैसे कि कल वाले दिन की अगर आप बोलोगे क्लोजिंग, तो ये वाली क्लोजिंग है 21,448, तो ये भी हमारे लिए हमेशा एक लेवल होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। तो आपको क्या करना है, यहां पे आना है और एक रेजिस्टेंस का लेवल, एक अपना रेक्टेंगल वाले पैटर्न पे जाके आपको यहाँ पे भी एक अपना लेवल बनाना है। और अगर आपने एक चीज़ ध्यान से नोटिस करी होगी, मैं कभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लाइन पे नहीं बनाता हूँ, इनको जोन पे बनाता हूँ, बिकॉज ये एक जोन होते हैं। मार्केट जरूरी नहीं है कि आपने जो ये लाइन बनाई है यहीं से टक्कर खा के नीचे है, यहीं से टक्कर खा के नीचे है, नहीं, वो एक जोन होता है। जोन कितना होता है, हर स्टॉक में अलग अलग जोन होता है, हर निफ्टी वगैरह में अलग अलग जोन होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे इतने पॉइंट का जोन है, इस जोन के अंदर अंदर मार्केट आ सकता है, जैसे ही इस जोन का ब्रेकआउट मिलता है फिर एक और ऊपर हमें मोमेंटम मिल सकता है, अदरवाइज यही जोन अभी तक जोन है हमारे लिए, एक क्रिएशन का काम करता है। अगर प्राइस इससे नीचे ओपनिंग देता है, अगर प्राइस इससे ऊपर ओपनिंग देता है, तो यही जो ये जो एरिया है ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। जिन लोगों को नहीं समझ में आया, आपको प्रैक्टिस की बहुत बहुत ज़रूरत है दोस्तों, ये चीज़ें बताना मेरा काम है। इसको आप जब ट्राई करोगे अपने घर में अपने चार्ट्स पे, तब भी आप इसमें मास्टर कर पाओगे। तो चलिए फिर दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। होप मैंने आपको ट्रेंड कैसे पता करते हैं वो भी बता दिया हो, और हमें बस बड़े टाइम फ्रेम पे देखना है। अगर आपको स्टॉक देख रहे हो तो आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखना है, 1 आवर का टाइम देखना है, एंड वहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन यूज़ करनी है, वहाँ से आपको ट्रेंड कैसा है पता लग जाएगा। दूसरी चीज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, लास्ट वाला स्विंग आपको देखना है। अगर पीछे प्राइस यहाँ से घुमा है तो ये आपके लिए सपोर्ट है, यहाँ से अगर प्राइस नीचे आया है तो ये आपके लिए रेजिस्टेंस है। फिर आपको देखना है फ्यूचर में उस एरिया पर प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है, फिर आपको वहाँ पर सारी चीज़ें करनी है। देखो दोस्तों सारी चीज़ें एक दिन में नहीं सिखाई जाती, मैं जानता हूँ, लेकिन धीरे धीरे जब आप शुरुआत करोगे तो सारी चीज़ें सिखाना मेरी गारंटी है। अगेन वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना, मेरा टेलीग्राम का चैनल है वो नीचे से आपको मैंने लिंक दे दिए, वहाँ पे आ जाओ, बिकॉज वहाँ पे मैं आपको बहुत कुछ चीज़ें सिखाऊंगा, आपको पता लगेगा कि आप कैसे हमारे साथ जुड़ के ही पैसा बना सकते हो। तो चलिए फिर दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा मुझे पढ़ा के, आपको कैसा लगा पढ़ के, कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट में बताना, अपना फीडबैक देना, जो चीज़ नहीं समझ में आई मुझे पूछो, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा अगली वीडियो में। चलिए फिर दोस्तों बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट पावरफुल वीडियो के साथ। सीरीज़ कैसी लग रही है ये भी बताना, एंड मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट पावरफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।